Now इन दिस टॉपिक we विल लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट का थोड़ा सा आइडिया भी हमने matrix में लिया है मैट्रिक्स अल्जबरा में लिया है अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या है नॉ द फर्स्ट प्रॉपर्टी द डिटर्मिनेंट ऑफ अ डायगनल मैट्रिक्स इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द डायग्नल एलिमेंट ठीक है डिटर्मिनेंट अभी हमने प्रीवियस भी देखा था कि डिटर्मिनेंट क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द डायगनल ओके सिमिलरली डि डिटर्नमेंट ऑफ अ ट्राइंगर मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इस डायग्नोस्ड एलिमेंट ये डिटर्मिनेट आपने क्या किया टू इंटू सिक्स इक्वल टू ट्वेल्व क्योंकि डायगनल एलिमेंट्स की हमने लिए और डिटर्मेंट ऑफ अ डायगनल मेट्रिक्स डायगनल मेट्रिक्स से ऑफ डायगनल हमारे पास जीरो होते हैं सिमिलरली डि डिटर्नमेंट ऑफ अ ट्राई एंगुलर मेट्रिक्स तो ट्राई एंगुलर मेट्रिक्स हमने सपोज यहाँ रखा टू वन जीरो टू सपोज जीरो इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ द डायग्नल तो टू इंटू टू वन इंटू जीरो जीरो क्योंकि ये हमारे पास कौन सी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है लो ट्राइंगर मैट्रिक्स है नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज दी इफ द एलिमेंट ऑफ अ सिंगल रो और कॉलम ऑफ एन इंटू एन मेट्रिक्स ए आर मल्टीप्लाइड बाय द स्केल और सी यानी कि हम किसी कॉन्स्टेंट के साथ एन इंटू एन मेट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें डिटर्मिनेंट ऑफ अट्रिक्स अच्छा अब हमने इसको कैसे मल्टीप्लाई सिंगल रो और कॉलम एन इंटू एन मैट्रिक्स करना तो वो डिटर्मिनेंट किसके नॉ मल्टीप्लाई कैसे किया डिटर्मिनेट सिक्स इंटू टू माइनस फोर इंटू वन और द डिटर्मेंट एस दी एट अब हम क्या कह रहे हैं कि मेट्रिक्स ए मल्टीप्लाईड बाई दल किसी कांस्टेंट के साथ हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या तो आप रो वाइज मल्टीप्लाई कर लो या कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करो तो इन दिस एग्जांपल हम उसको रो वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी टू मल्टीप्लाई एनी कांस्टेंट टू हमने रखा फोर मल्टीप्लाई बाई एनी कॉन्स्टेंट तो रो को हमने किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो अब उसका डिटर्मिनेंट क्या है दिस इज एंड दिस इज इक्वल टू द एट यानी सिक्स मल्टीप्लाई बाई फोर माइनस एट मल्टीप्लाई बाई वन तो फाइनल ट्वेंटी फोर माइनस एट Which is to 16. So 16 क्या आपके पास होगा टू टू एट यानी टू जिस से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे मल्टीप्लाई हमारे पास ओरिजिनल आ रहा था यानी वो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा उस डिटर्मिनेंट के साथ नाउ द नेक्स्ट ये जो सेकेंड हमने एग्जाम्पल दिया इसमें क्या वो कह रहे हैं द डिटर्मिनेट ऑफ अट्रिक्स इज इक्वल टू दी इंटू ए क्या हो गया सी इंटू ए डिटर्मिनेट वेरीफाई हो गया इफ एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाई बाई सी यानी कि आप हर एलिमेंट उस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट हमारे पास है मेट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट्स को हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जो इस कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करें विच इज इक्वल टू टू न टू मल्टीप्लाई बाई टू इस पूरे मेट्रिक को हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया अब इसका डिटर्मिनेंट किसके पर आ रहा है इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ रहा है जी थर्टी टू एट इंटू फोर अब इस थर्टी टू को हम कैसे लिख रहे हैं ये तो आपके पास है एट जो डिटर्मिनेंट हमारे पास प्रीवियस था टू रेस्ट हमने क्या लिखा टू रेस्टू पार्ट टू इन जनरल इसका हमारे पास क्या है सी ए यानी कि वो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट से विच इज इक्वल टू दी रेस्टूपार एन इंटू ए डिटर्मिनेंट सी रेस्टूपार एन यानी टू तो हमारे पास बेसिकली वो c क्या था वो कॉन्स्टेंट हमारे पास टू था और वो रेस टू पार n मीन टू रेस टू पार्ट टू विच इज इक्वल टू फोर नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इफ टू कॉलम्स और रोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर इंटरचेंज अब आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है नंबर ऑफ रोज विच इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम आर इंटरचेंज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज रिवर्स्ड अब रिवर्स कैसे हो रहे हैं वो टू फोर वन सिक्स इसका हमने डिटर्मिनेंट किया उसने कहा कि टू रोज एंड टू कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज कर लें मीन्स हमने यहाँ पे ये यह जो कॉलम था सेकेंड कॉलम को हमने फर्स्ट में लिया और फर्स्ट कॉलम को हमने सेकेंड में कर लिया यानी इंटरचेंज किया इसका जो आपके पास फर्स्ट का हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या हो रहा था विच इज इक्वल्स टू एट और जब हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है साइन रिवर्स हो रहे हैं साइन रिवर्स मींस यहाँ पे आपके पास हो गया माइनस एट ना द प्रॉपर्टी नंबर फोर ए एंड बी आर ईच एन इंटू एन मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है हमारे पास ए और बी द दिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट अब इसे मल्टीप्लाई कैसे कर लिए हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट ले लिया देन हमने बी का डिटर्मिनेंट लिया उनको जो मल्टीप्लाई किया और अगर आप निकालोगे ए इंटू बी और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू दी ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट यह आप वेरीफाई भी कर लेना इसी से आप आगे फर्दर इसको मल्टीप्लाई करोगे ए इंटू बी निकालोगे और उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपके पास सेम आएंगे प्रॉपर्टी नंबर फाइव इफ टू कॉलम्स और टू रोज ऑफ अ अट्रिक्स आर इक्वल दोनों रोज और दोनों कॉलम्स किसी भी मैट्रिक्स के अगर इक्वल हो द डिटर्मिनेंट मस्ट बी जीरो प्रोपोर्शनल रोज और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स इंडिकेट अ डिटर्मिनेट ऑफ जीरो टू रोज और टू कॉलम्स इक्वल वैल्यूज हैं उसका रिजल्ट क्या होगा विच इज इक्वल टू द ज़ीरो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो जीरो के इक्वल होगा प्रॉपर्टी नंबर सिक्स क्या हमें कह रही है इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ आर स्क मैट्रिक्स आर जीरो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर आपके पास सारी वैल्यू जीरो होंगी तो डिटर्मिनेंट भी उसका जीरो केक पर आएगा।